फेलियर्स फेलियर्स ब्रिंग रिग्रेट नॉट ट्राइंगज मोर रिग्रेट सो ऑलवेज ट्राई टूडे इज सेवेंटीबर ट्वेंटी ट्वेंटी लेट एस अ क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दिज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर्स हैं यूपी यूपी वो इंडियन स्टेट है जो बॉर्डर जिसकी टच करती है मैग्जिम अदर स्टेट से नाइन इज द नंबर मधुबनी पेंटिंग स्टाइल है ये नेटिव है बिहार का कोलेरू लेक है ये कृष्णा एंड गोदावरी रिवर के बीच में लोकेटेड है डेल्टा ऑफ टू रिवर्स हाईएस्ट माउंटेन पीक छोटा नागपुर प्लेटो की है पारसनाथ एंड यक्षगान फोक डांस है इंडियन स्टेट कर्नाटका से बिलोंग करता है अफगानिस्तान यस अराउंड हंड्रेड एंड सिक्स किलोमीटर स्मॉलेस्ट टेरेस्ट्रियल बॉर्डर है विद इंडिया सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस आज के हैं आज के प्रश्न है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस इज रेजिग्नेशन लेटर टू हुम प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो रेजिग्नेशन लेटर किसको एड्रेस करेंगे वो गिद्धा गिद्धा एक फोक डांस है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है लुक ईस्ट पॉलिसी अभी एशियान आर ये फिर से काफी न्यूज में है लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी इसका जेनेसिस इंडिया के किस प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर पे हुआ था फोर्थ इज द राइट टू वोट इन इंडिया इज विच टाइप ऑफ राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है फंडामेंटल राइट right है लीगल राइट right है विच टाइप ऑफ राइट गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ स्लोगन किस फाइव ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था कौन सा फंडामेंटल राइट right है जिसको हम बोलते हैं सोल एंड हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बाबा अंबेडकर साहब ने इसको ये बोला था विच फंडामेंटल राइट सो ये आज के सवाल हैं आज हम पढ़ेंगे मॉडर्ना सेज इट्स वैक्सीनेशन इज 94.5 परसेंट इफेक्टिव नो लॉकडाउन पीक ओवर दिस इज वाइट ब्लैंकेट पार्लियामेंट आज हम जानेंगे पार्लियामेंट सेशंस के बारे में डिफरेंट कमिटीज क्या होती है एडॉक एंड परमानेंट एंड दीज आर डिफरेंट कमिटीज सरफेस विंडस जोग्राफी एंड दिस इज थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन थ्रेट और ट्रीट कल ये आर का न्यूज देखा आज हम इसका एडिटोरियल देखते हैं देन नीडेड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन स्टेप विथ टेक्नोलॉजी मूवज लॉ देन आंध्र प्रदेश की कैपिटल कॉनड्रम फॉलन थ्रू द क्रैक्स दिस इज गेल गेल ने ये एक पाइपलाइन अभी यहाँ पे कंप्लीट किया है देन दिस इज अबाउट टिगरे रेबल्स एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज एम ओ ई एफ ने अभी बताया है कि वर्ल्चर के नंबर्स हैं ये स्टेबिलाईज हो रहे हैं हाल में कुछ टाइम पहले इनकी पॉपुलेशन में स्टीप डिक्लाइन हुआ था इट इज अ गुड न्यूज और ये सारे डिफरेंट हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट के प्लेसेस थे आज इनका हम मैप देखेंगे सो लेट एस्ट ट्राई टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स इन नेक्स्ट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस अवर रेफरेंस मटीरियल ये फ्रंट पेज है द हिंदू का दिस इज अबाउट बिहार गवर्नमेंट फॉर्मेशन विंड डिप इन फार्म फायर हेल्प इम्प्रूव दंड एंड फार्म फायर इसको भी आगे देखते हैं अपन This is the news. Moderna says its vaccination is 94.5% effective, which is a very good thing. But ये early results हैं Moderna ने यह भी कहा कि इसकी जो shelf life है shelf life मतलब वो कितने time तक vaccination effective रहेगी For example, अगर room temperature पर रखेंगे तो इसकी एक certain shelf life होती है Refrigeration, because cold storage चाहिए होता है कम temperature पर तो shelf life थोड़ी बढ़ जाती है तो लॉन्गर शेल्फ लाइफ है इन कंपेरिजन टू अदर वैक्सीन कैंडिडेट ये मॉडर्ना का क्लेम है फाइजर एक दूसरा वैक्सीनेशन बना रहा है उसका भी प्रिलिमिनरी डेटा उसने रिलीज किया था तो दीज आर सर्टेन लीडिंग कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में ये जो पूरी वैक्सीनेशन की प्रोसेस है इसमें टाइम लगता है टू में शायद आ सेंगी ये वैक्सीनेशन नॉर्मल यूजेज में सो दिस इज द न्यूज सेकेंड इज अबाउट नो लॉकडाउन पीक ऑफ थर्ड वेव ओवर कोविड नाइन्टीन आता है ना तो इसके पीक्स आते हैं मतलब उस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं सो so, मिनिस्टर ने यहाँ पे यह कहा है कि नो लॉकडाउन पीक ऑफ थर्ड वेव इज ओवर लॉकडाउन इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज लॉकडाउन की जो पॉलिसी है लॉकडाउन की जो स्ट्रैटेजी है इससे रिपरकशंस भी होते हैं साइड इफेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमिक नोज डाइव हो जाता है इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं सो नो लॉकडाउन इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड

लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन. व्हाट वी नीड टू फोकस इज वी नीड टू फोकस ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स सोशल डिस्टेंसिंग इज इंपॉर्टेंट इम्यूनिटी डेवलप करें बूस्ट करें हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड एंड वेयर मास्क सो दीज आर द थिंग विद रिस्पेक्ट टू कोविड नाइन्टीन देन नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट विंटर वाइट ब्लैंकेट पिलग्रमेज ब्रेक ये केदारनाथ धाम है या बोनफायर केदारनाथ धाम है उत्तराखंड में मंडे पोस्टल्स द पोर्टल्स ऑफ द श्राइन वर क्लोज फॉर द विंटर सीजन ऑन मंडे सो दिस इज वाइट ब्लैंकेट केदारनाथ धाम इन उत्तराखंड नेक्स्ट इज विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट अनलाइकली अमिट राइजिंग कोविड केसेस अब इस न्यूज को हम डिटेल में पढ़ेंगे विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट अनलाइकली है क्यों बिकॉज कोविड के केसेस ज्यादा आ रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि मैक्सिमम छः महीने का गैप हो सकता है दिस पार्लियामेंट्री सेशंस में ओके अब सेशंस होते हैं तीन एक होता है बजट सेशन ये अराउंड फाइव मार्च में होता है मॉनसून सेशन होता है दिस मॉनसून अगस्त फिर एक विंटर सेशन होता है जो अभी विंटर्स में होना चाहिए दो जो सेशनस होते हैं उनमें मैगजिमम छः महीने का गैप हो सकता है तो बारह महीने में एटलीस्ट दो बार पार्लियामेंट मिलना जरूरी है अभी कोविड नाइन्टीन के कारण जो मानसून सेशन था वो कर्टेल हुआ था अब विंटर सेशन की बारी आई तो ये अभी कट करने का या फिर ये होगा ही नहीं ऐसा स्पेक्यूलेशन है 1975, 1979, 1984 ये तीन साल में पहले भी विंटर सेशन नहीं हुआ था नॉट बींग हेल्ड अब बात यह है कि अगर विंटर सेशन हम नहीं रखते हैं तो क्यों ना हम विंटर सेशन और विंटर सेशन ओवर होगा इसके बाद नेक्स्ट बजट सेशन आ जाएगा जनवरी फ़रवरी फ़रवरी मार्च में तो ये विंटर सेशन और जो 2021 से बजट सेशन आएगा इन दोनों को क्लब कर देते हैं फर्स्ट ऑफ फ़रवरी 2021 सीसीपीए इसका मतलब है कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ये मीट करती है डिसाइड करती है डेट्स ऑफ द सेशन किस डेट पे सेशन रखना है अनाउंसमेंट्स ये अनाउंस करती है टू बी मेड गिविंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एटलीस्ट टू वीक अपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा लोकसभा राज्यसभा पूरे नेशनल लेवल के इसमें मेंबर्स होते हैं एम पी होते हैं जो सांसद होते हैं ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे आते हैं तो एटलीस्ट टू वीक का उन्हें टाइम देना पड़ेगा सो so देट वो सेशन के लिए रेडी होकर इसको अटेंड कर पाए ये पूरा जो बैकग्राउंड वर्क होता है दिस इज डन बाई सी सी पी ए अब सी सी पी ए क्या है एक

जिसको अजाइन किया गया है द टास्क ऑफ कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ इट दैट इज दिस कैबिनेट कमेटी ये जो रूल्स हैं ये इमर्ज हुए हैं आर्टिकल सेवन सेवन थ्री से आर्टिकल सेवेंटी सेवन थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंशियल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बिजनेस है पार्लियामेंट्री बिजनेस से या डिफरेंट हेड्स के अंदर है इसको कन्वीनियंट बनाना है और उसके लिए प्रेसिडेंट को यह जिम्मेदारी दी गई है फॉर द अलोकेशन मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस तो सेवन आर्टिकल के अंदर और दिस टी बी आर ट्रांजेक्शन रूल नाइनटीन सिक्सटी वन ये बैकग्राउंड तैयार करते हैं कमिटीज बनाने का कैबिनेट कमिटीज जो होती है ये फॉर्म्ड होती है ये इंस्ट्रूमेंटल है इन रिड्यूसिंग द वर्कलोड ऑफ द कैबिनेट कैबिनेट के पास बहुत सारा काम है तो ये जो वर्कलोड है, इसको कम करने के लिए कैबिनेट कमेटी होती है सो दीज आर कमिटीज अब जितनी भी कमिटीज हैं इनमें कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन एंड कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर ये इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी कमिटीज होती हैं, वो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होती है ये सारे नेम है कैबिनेट कमिटीज के अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट है कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ये बहुत इम्पोर्टेंट कमिटी है सी सी ई ए कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट ये सारी कैबिनेट कमेटीज़ अभी सेकेंड एन दिस टू में ये सारी कमेटीज़ अभी हैं कैबिनेट कमिटीज़ आर फॉर्म सो वॉटर कैबिनेट कमिटीज दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैबिनेट कमिटीज जो होती है ये एडॉप होती है और परमानेंट भी हो सकती है टी बी आर ट्रांजेक्शन बिजनेस रूल नाइनटीन सिक्सटी वन आर्टिकल सेवेंटी सेवन थ्री वर्क ऑफ द कैबिनेट सो नाउ डिस्कस द पर्पज ऑफ अ कैबिनेट कमिटी वाइल एक्सप्लेनिंग द टाइप्स एंड देयर कंपोजिशन दिस इज द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडे डिस्क दर्पज ऑफ अ कैबिनेट कमिटी वाइल एक्सप्लेनिंग इसके टाइप क्या है और इसकी कंपोजिशन क्या है जैसे ये सारे इसके डिफरेंट कमिटीज हैं ओके तो दिस इज दिस बहती है तो पार्टिकुलेट मैटर को यह बहाके ले जाती है इससे क्या होता है जो पॉलिटेंट है इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव होता है ए क्यूवाई इंप्रूव कब होगा जब बारिश होगी बारिश होगी तो जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है ये नीचे जमीन में सेटल हो जाएंगे ए क्यू आई बेटर होगा डिस्पर्जल ऑफ पॉलिटेंट होगा बाय विंड तो भी ए क्यू आई इम्प्रूव होगा फार्म फायर है क्रैकर्स है इंडस्ट्री और वेहक्यूलर एग्जॉस्ट है ये रिलीज करेंगे पार्टिकुलेट मैटर इन एयर तो इससे एक य्यूवाई डिप होगा AQI Delhi में, this -A जो हमने वीडियोस में देखे थे जी आर ए पी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रेडेड रेस्पॉन्स जो है पॉल्यूशन के लेवल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट लेगी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज टैंपलेट सो है रेन टू बूस्ट वीट सोइंग बिकॉज जो टेम्परेट क्रॉप होती है इसको भी मॉइस्चर चाहिए होता है रेन टू बूस्ट वीट सोइंग बुआई ज्यादा होगी स्टैंडिंग टॉल नो दिस इज द न्यूज स्टैंडिंग टॉल ये क्या है जिराफ़ है अलीपुर जू इन कोलकाता जिराफ से रिलेटेड एक बहुत अच्छा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन काफी इंटरेस्टिंग है दैट इज दिस लेमार्क लेमार्क का जो थ्योरी था इवोल्यूशन का सी इवोल्यूशन कैसे हुआ पहले हम यूनील्युलर थे फिर मल्टी सेलूलर फिर इस तरीके से वर्टिप्रेट आए देन ग्रेजुअली हमारा प्रेजेंट फॉर्मेट में इवोल्यूशन के रूप में हम बने हैं अब ये जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी लेमार्क की ये बोलती है कि जो फिजिकल चेंजेस आते हैं ऑर्गेनिज्म में ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम ये ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन और अ पार्ट थ्रू इंक्रीज्ड यूज अब जो जिराफ है इसका इतना ऐसे गर्दन लंबी होती है ये क्यों होती है बिकॉज कॉन्टिन्यूसली जैसे जो फूड है फूड अगर अपर हाइट में लीव्स ज्यादा थी इस नेक का जो पोर्शन ऑर्गन है ज़्यादा यूज हुआ और इसका दिस हाइट बढ़ने लग गया ये लेमार्क का ऐसा पॉस्चुलेट था ग्रेटर डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन और अ पार्ट थ्रू इंक्रीज यूज और लेमार्क ने फिर ये कहा कि ये जो ट्रेट आया है ये ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग भी होगा ऑल इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ लमार्क की थ्योरी का बट जिराफ में इसका बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है लमार्क का ऐसी एक थ्योरी होती है डार्विनिज्म का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर टू वॉट डू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हम जैसे अगर आपका ऑप्शनल दिस हिस्ट्री है एंथ्रोपोलॉजी है इसमें हम इसको देखते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ डिफरेंट डिफरेंट फेजेज आए हम प्रेजेंट फॉर्मेट में अभी होमोसेपियंस आए हैं सो वॉट यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड वॉट इज दिस डारवनिज्म डारवन के सिद्धांत क्या है सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टूडे स्टैंडिंग टॉल अब जो नेक्स्ट है दिस न्यूज इज अबाउट एडिटोरियल एडिटोरियल है थ्रेट और ट्रीट सी आर से इंडिया ने वॉकआउट किया था लास्ट ईयर नेगोशिएशन से आर के अभी फाइनल अग्रीमेंट इन्होंने साइन कर दिया है लैंडमार्क पैक्ट है दिस इज आर इसमें पंद्रह मेंबर्स हैं एशियान है देन चाइना जापान साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये जो पूरा ब्लॉक है ना ये थर्टी परसेंट है ग्लोबल जीडीपी का दैट इज बाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब इंडिया इस ब्लॉक का पार्ट नहीं बन रहा है इंडिया ने अपने खुद के रीजंस दिए हैं कि बिकॉज सेफ करना है डोमेस्टिक इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे कवर अप नहीं हो रहे हैं प्लस चाइना का एंगल है सो दैट इज वाई इंडिया ने आर ज्वाइन करने से मना कर दिया अब इसमें कल हमने क्रिटिकल एनालिसिस प्रिपेयर किया आपने क्वेश्चन क्रिटिकल एनालिसिस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बहुत ऐसा भी नहीं है कि एवरीथिंग इज गुड और ऐसा भी नहीं है कि एवरीथिंग इज बैड तो कल हमने क्रिटिकल एनालिसिस देखा था इस एडिटोरियल में आर के प्रो के पॉइंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया ने वॉकआउट किया इंडिया के कंसर्न थे कि सेफ करना है डोमेस्टिक इंटरेस्ट को और डोमिनेंस ऑफ चाइना भी है अमिंट्स बॉर्डर स्टैंड ऑफ अब प्रो पॉइंट्स क्या है आरसीपी के सी कोविड नाइनटीन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया ब्रेगजिट में ब्रिटेन अपनी अलग ही प्रॉब्लम से डील कर रहा है तो इस पूरे बैकड्रॉप में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन बन रहा है इकोनॉमिक का वर्ल्ड में वो है ये आर सी ई पी नेशनस आर सी ई पी नेशनस आर इम्पॉर्टेंट देड देटर इस कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में भी तो अब ये डुअलिज्म आ रहा है इकोनॉमिक रियलिज्म का और नेशनलिस्ट ट्रम्पिज्म का किस डायरेक्शन में हमारी पॉलिसी मूव करेगी इकोनॉमिक रियलिज्म की बात करें तो आर में बहुत बेनिफिट्स हैं नेशनलिस्टिक फिर हम फरवर देखें तो फिर यहाँ पे चाइना एंगल है डोमेस्टिक इंटरेस्ट है सो मेनी थिंग्स तो इन दोनों का दिस डूबल प्ले होगा अभी अगर समरी देखें आर में भी जो हमने कंसर्नस रेज किए थे आप इस अग्रीमेंट को देखिए फाइनल अग्रीमेंट में ना आर में जो इंडिया के कंसर्नस हैं उसको यहाँ एड्रेस करने की इन्होंने कोशिश किया है उन्होंने कवर किया है अटेम्प्ट किया है जो एड्रेस इश्यूज इंडिया ने फ्लैग किए थे आरसीपी में जैसे कि रूल्स ऑफ ओरिजिन ट्रेड्स एंड सर्विसेज मूवमेंट ऑफ पर्सन ये रेमेडी एंड सेफ इंडिया को इसमें एप्रीहेंशंस थे और आर का जो फाइनल अग्रीमेंट हुआ है उसमें इन सब जो कंसर्नस हैं उसको आर ने एड्रेस करने की कोशिश किया है मतलब आर इंडिया को अकोमोडेट करना चाह रहा है एड्रेस किया है डोर्स ओपन है बिकॉज इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी आर को भी बेनिफिट होगा अगर इंडिया आर ज्वाइन करेगा सो दैट इज वाई ओपन अब इट वुड बी इन इंडियाज इंटरेस्ट टू डिसनेटली पैशंस आर गुड बट समाइम्स जो डिसीजन होते हैं ना वो डिसपैशनेटली रिव्यू करना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स पोजिशन और एम्ब्रेस करें ओपननेस रादर देन प्रोटेक्शनिज्म बिकॉज जो वॉल हम क्रिएट कर रहे हैं ना ये हमें डिफेंड तो कर रही है बट ये हमें भी स्टॉप कर रही है बाहर जाने से प्रोटेक्शनिज्म सो so, इंडिया को डिसपैशनेटली यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स देखने चाहिए आर सी पी के डोर्स ओपन है अभी जयशंकर साहब का भी एक आर्टिकल है जो उन्होंने बोला आर से रिलेटेड वट आई थिंक इज इंडिया ना बेटर डील करना चाहती है चाहता है इंडिया मतलब कम्प्लीटली वॉकआउट भी है बट अगर कोई अच्छा डील मिलेगा नेगोशिएशन बेटर होगा इंडिया के लिए ये डोर्स ओपन है लेट एस सी वेट फॉर सम टाइम थ्रेट और ट्रीट नीडेड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन स्टेप विद टेक्नोलॉजी सी सो दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल सेकेंड एडिटोरियल है बिहार का मैंडेट टू ब्रिंग डेवलपमेंट पाथ डेवलपमेंट हमने देखा था ना इंडिया की यंग पॉपुलेशन है एंड यंग पॉपुलेशन को वॉट डू दे वॉन्ट दे वॉन्ट गुड एजुकेशन क्वालिटी ऑफ जॉब एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए दीज आर द प्रायोरिटीज जॉब जो क्रिएशन है एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए एंड क्वांटिटी भी होनी चाहिए द राइट लेसन फ्रॉम पुलवामा एंड बालाकोट यहाँ गवर्नमेंट का और इन जनरल जो स्टैंड लिया गया है कि इट इज़ गुड क्लेम्स फैक्ट्स एंड द ऑडियंस ओवरटेकन ग्रेविटी ऑफ द क्राइसिस मेच्योर रेस्पॉन्स यहाँ पे किया जा सकता है गवर्नमेंट एंड से भी एंड पब्लिक एंड से भी नीडेड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन स्टेप विद टेक्नोलॉजी ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सी मूवज लॉ बोलता है कि जो हमारी कंप्यूटिंग कैपेबलिटीज हैं वो ज़्यादा तेजी से बढ़ती है देन ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग कई बार आप देखना मोबाइल फोन हैं लैपटॉप्स हैं हाई एंड लैपटॉप हैं प्रोसेसर एक्सेलेंट है रैम सफिशेंट है एवरीथिंग इज गुड फीचर लोडेड है बट आर यू यूजिंग दोज फीचर्स आर यू यूटिलाइजिंग दैट गैजेट कंप्लीटली नीडेड अ पॉलिसी फ्रेमवर्क इन स्टेप विथ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इज गुड रैपिड बेस ऑफ टेक्नोलॉजी हो रही है टेक्नोलॉजी से क्या इंपॉर्टेंस होता है कि टेक्नोलॉजी से जो बाउंड्रीज है नेशनल बाउंड्रीज है इंटरनेशनल बाउंड्रीज है जोग्राफिकल है रिलीजन रेज एवरीथिंग ये जो बाउंड्रीज है ना ये ब्लर होती है तो दैट इज़ वाई वॉट वी नीड इज अ अलिस्टिक व्यू ऑफ स्कीम इज अ मस्ट टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टूल भी है डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म जैसे कंटेंट क्रिएशन आप देखो टेक्नोलॉजी के कारण कंटेंट क्रिएशन में डेमोक्रेसी आ गया है इतना ह्यूज स्केल से एवरीबडी इज एवरीबडी के पास अपॉर्चुनिटी है कि ही और शी कैन कम फॉरवर्ड और क्रिएट कंटेंट सो टेक्नोलॉजी ए ग्रेट लेवलर भी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रैपिड प्रोग्रेस हुआ इन्फॉर्मेशन जो है नॉलेज इकोनॉमी है इन्फॉर्मेशन इज द न्यू करेंसी पॉवरिंग इकोनॉमिक्स कंप्यूटेशन एनालिसिस बहुत जरूरी हो गया है अब देखो ये जितने भी एप्लीकेशंस हैं वेबसाइट्स हैं ये आप सबका कुकीज एंड ये जो डेटा है ये इसको कलेक्ट करते हैं और डेटा जो कलेक्ट होता है उसका फिर कंप्यूटेशन भी होता है और फिर दे नो अलॉट अबाउट यू इलेक्ट्रॉनिक्स कोड्स डेटा अलगोरिदम ये चीज़ें डिक्टेट कर रही है हर इंडस्ट्री में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अब इलेक्ट्रॉनिक्स है आप जैसे फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रॉनिक्स इज एवरीवेयर अलगोरिदम कंप्यूटेशन इज एवरीवेयर सो व्हाट डू वी नीड इज वी नीड टू स्टॉप वर्किंग इन सिलोज सिलोज नहीं सिलोज मैंटेलिटी नहीं हर चीज़ का हमें हॉलिस्टिक होना चाहिए अमेलगमेशन जरूरी है इंटीग्रेशन जरूरी है और ये चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एग्रीगेट करें व्यू रिक्वायर्ड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में कोहेसिवनेस कोऑपरेशन कन्वर्जेंस एंड अलाइनमेंट इज द वे फॉरवर्ड तो इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने एक जनरल व्यू पॉइंट लिया है कि टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसी है ना वो चेंजिंग टाइम के हिसाब से होना चाहिए फॉर एग्जाम और जो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू बाय एक गैजेट खरीदना है आपको हम लोग कई बार गैजेट खरीदते हैं तो सोचते हैं हमको उसको फ्यूचर प्रूफ करना है नो no, ये एक मिस्टेक होती है गैजेट कोई भी खरीदना है ना वो हमेशा प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करना चाहिए अभी कितनी ज़रूरत है बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज बहुत रैपिडली होती है एक या दो या तीन साल में ये गैजेट आप लेटेस्ट भी ले लोगे हाई एंड भी ले लोगे ये आउटडेटेड हो जाएगा ज गो फॉर प्रजेंट रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती है ना ये चीप भी होती जाती है चीप हो जाती है टेक्नोलॉजी प्राइस डाउन होती है पॉलिसी फ्रेमवर्क इन स्टेप विथ टेक्नोलॉजी ये आंध्र प्रदेश का कैपिटल कॉन्ंड्रम है कौनड्रम मतलब एक पहेली बन गया है आंध्रा को कैपिटल मिलती ही नहीं है अभी पहले हैदराबाद थी हैदराबाद से पहले भी एक कैपिटल थी आंध्रा की जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ था आंसर दिस क्वेश्चन तो हैदराबाद बनी कैपिटल हैदराबाद बनने के बाद तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद कैपिटल तेलंगाना के पास जा रही है और आंध्रा को अब अपनी नई कैपिटल चाहिए तो कैपिटल वो बना रहे थे अमरावती बट फिर गवर्नमेंट चेंज हुई अब वो बोलते हैं हम तीन कैपिटल बनाएंगे जुडिशियल कुरनूल होगा एग्जीक्यूटिव विशाखापट्टनम होगा और लेजिस्लेटिव होगी अमरावती सो ये कैपिटल कॉर्नरम चल रहा है द पॉइंट इज गुड और बैड इसमें टाइम और मनी ये दोनों फैक्टर्स भी हमें इंक्लूड करने चाहिए एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में फ्लिप फ्लॉप नहीं होना चाहिए कल फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई देन वॉट फॉलन थ्रू द क्रैक्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉलन थ्रू द क्रैक्स सी हमारी जो पॉपुलेशन होती है उसमें तकरीबन फिफ्टी परसेंट मेल एंड फिफ्टी परसेंट फीमेल है अगर हम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को डिप्राइव कर रहे हैं एजुकेशन से राइट right से एक्सपोजर से तो हमारी एफिशिएंसी भी डिवाइडेड बाय टू हो रही है तो विच इज नॉट अ गुड इकोनॉमिक इकोनॉमी ग्रोथ प्रॉस्पैरिटी के लिए दैट्स नॉट गुड इंडिया की जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है हैज बीन ऑफ लिटिल वैल्यू अंडर एक्नोलेज कर रहे हैं अपन फीमेल वर्कर को जो भी हमें रिजल्ट चाहिए थे हम उसको डिवाइडेड बाई टू कर रहे हैं फिफ्टी ही हम अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं नॉट गुड इकोनॉमिक्स 2020 में 75 इयर्स और 25 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं 75 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं जब कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया ने एक रिपोर्ट सबमिट किया था यूएन पे और रिपोर्ट का टाइटल था टू इक्वालिटी पचहत्तर साल हो रहे हैं और कितना इक्वालिटी हमने अचीव किया वुमेन सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग होना चाहिए एक फ्रेश पर होना चाहिए जेंडर इक्वालिटी का 25 फाइव इज कम्प्लीट हो रहे हैं एनिवर्सरी ऑफ बीजिंग प्लेटफॉर्म ये भी एक प्रम्स का क्वेश्चन है बैक ये आया था बीजिंग प्लेटफॉर्म बेंचमार्क फॉर एनालाइजिंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इन स्टेट लेड एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी। तो इसके ट्वेंटी फाइव ईयर्स हैं इसके सेवेंटी फाइव ईयर्स हैं दो हज़ार बीस आ गया है बट प्रोग्रेस वेयर इज द प्रोग्रेस ऑल हमने काफ़ी जगह फेयर किया है बट मच टू बी डिज़ायर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ है इसमें फीमेल पार्टिसिपेशन वर्क एसेंशियल है अदरवाइज जो भी हम काम करेंगे वो डिवाइडेड बाई फिफ्टी हो जाएगा अगर हंड्रेड परसेंट स्ट्रेंथ हम यूटिलाइज नहीं करेंगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का भी जो नंबर्स हैं वो डिसअपॉइंटिंग है कोविड हुआ इसमें भी जो बंट है कोविड नाइन्टीन की मोस्ट जो बर्ड है दैट पास ऑन टू दिस फीमेल वर्कर्स जॉब लॉसेज हुए सो रिकग्निशन इज इम्पॉर्टेंट और वेजेस इक्वल होनी चाहिए बराबर का काम है तो बराबर का पैसा मिलना चाहिए रिकग्नीशन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट ग्रोथ एंड जो सेफ्टी है वो ओपन होना चाहिए वरना कई बार कुछ सेक्टर्स में जैसे ग्लास सीलिंग आ जाती है उसके ऊपर फिर ग्रोथ नहीं हो पाती प्लाटू हो जाता है करियर का ग्रोथ तो ग्रोथ एंड सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज मैंडेट है उनका जिम्मेदारी है इसको एन्श्योर करें ये लाइन बहुत अच्छी है ऐसे में इस टाइप की जो लाइन्स होती है ना काफ़ी अच्छा वो दे आर वेरी गुड यूज दैम जेंडर कैन नॉट बी विश्ड अवे सिंस एवरी पॉलिसी एंड कोड अफेक्ट्स अ जॉन्ट प्रपोर्शन ऑफ इंडियाज वर्क फोर्स बूथ पेड एंड अनपेड एक्नोलज एंड अनएकनोलेज सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी के लिए भी सोसाइटी के लिए भी गवर्नमेंट के लिए भी एवरीबडी कि हम यहाँ पे एक इक्वालिटी पैरिटी लाए, सो दिस इज फॉलन थ्रू द क्रैक्स ये गेल है गेल ने कंप्लीट किया अपना एक नया पाइपलाइन, बिफोर दैट दिस इज अनअबेटिंग अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट भी रेस्पॉन्सिबल हो गवर्नमेंट भी रेस्पॉन्सिबल हो दैट इज ओनली द वे फॉरवर्ड गेल कम्प्लीट कोची मैंगलोर पाइपलाइन ये पाइपलाइन है गैस के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये पाइपलाइन कंप्लीट किया है 444 किलोमीटर का पाइपलाइन है कहाँ से आ रहा है ये मैंगलोर है मैंगलुरु है और ये यहाँ पे नीचे साउथ में जा रहा है लाइन यहाँ पे बायफरकेट हो रही है इतना इसका टैक्स गेन होगा एट डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होगा गैस विल रीच मंगलुरु थ्रू 444 किलोमीटर पाइपलाइन दिस वीक कोची टू मंगलुरू नेचुरल गैस प्रोजेक्ट है ये सो दिस इज़ अ न्यू पाइपलाइन देन इफ वी मूव फॉरवर्ड नॉर्म्स इन प्लेस टू चेक कोविड नाइनटीन एट सबरीमाला केरला में पॉजिटिविटी रेट टेन परसेंट है सी मनमोहन सिंह जी के बारे में बराक ओबामा का अभी एक मेमोयर है उसमें नए मेमोयर में उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स के बारे में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में उन्होंने काफ़ी वाइज अच्छी बातें लिखी है वाइज काउंसल डॉक्टर मनमोहन सिंह काफी कम शब्द बोलते थे बट डेप्थ जो कंटेंट है दैट डेप्थ वॉज ह्यूज वाइज काउंसल तो जैसे हाई प्रेज किया है मनमोहन सिंह साहब को इन बाराक ओबामाज न्यू मेमायर काफ़ी अच्छे इन्होंने लाइंस भी कहे हैं जैसे एक बार इन्होंने कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी न जाने कितने सवालों की आबरू रखी हम एल पी जी पड़ा लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स इकोनॉमिक जो इंडिया का ट्रेजेक्ट्री हुआ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी का उसमें बहुत बड़ा रोल है दिस पॉलिसी मेकिंग का पैसे पेड़ पर नहीं उगते दस साल का कार्यकाल इतिहासकारों के मूल्यांकन का विषय है राजनीति में लंबे समय तक कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता ऑल दो सॉफ्ट स्पोकन कम बोलते थे बट ये पंचलाइंस हैं सो दिस इज वाइस काउंसल हाई प्रेस फॉर मनमोहन सिंह जी इन बराक ओबामाज न्यू मेमोया देन दिस इज यू एस में इंडियन स्टूडेंट इन यू एस ड्रॉप्ड फोर पॉइंट फोर परसेंट लास्ट ईयर बाइडन आएंगे हो सकता है पॉलिसी चेंज हो दिस एच वन बी वीजा नंबर फिर से राइज हो कोविड नाइनटीन इज ऑल्सो वन रीजन जिसके कारण ये फॉल हुआ है कॉम्प्लाई विथ एफ डी आई सीलिंग गवर्नमेंट ने कहा डिजिटल न्यूज फॉर्म्स के बारे में ये वेबिनार हुआ है ये एप्पल की वॉच है फिटिंग एक्सपीरियंस दिस इज द वेरी लूट स्लैशर ये देवदर्स हैं अंडर द सालेंट देवदर्स एंड द सर्कस ऑफ एडवेंचर दिस इज द न्यूज ऑन वर्ल्ड वर्ल्ड न्यूज में दिस इज इट्स टाइम टू ट्रम्प टू कंसीड ओबामा ने कहा ट्रम्प अभी भी कंसीड नहीं कर रहे हैं श्रीलंका अनवील क्रूशल बजट टूडे अमिट वायरस ये फिर से न्यूज में है टिगरे रेबल्स टिगरे रेबल्स अभी हमने इंडियन एक्सप्रेस में भी पढ़ा था कुछ दिन पहले देखा था द वॉर विद इन टिगरे जो रेबल्स हैं ये पूरा केस है इथियोपिया का इथियोपिया इथियोपिया अब ये जो न्यूज है ना दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिलिम्स मीन्स में डायरेक्टली इसका कोई कॉन्टेक्स नहीं है प्रिलिम्स में ये इम्पोर्टेंट है द वॉर विद इन द मैपिंग ऑफ दिस एरिया अड इज अबाबा टिगरे रीजन है ये वेल्दी रीजन है टिगरे रीजन का है ये इथियोपिया है और ये एल्ट्रिया है और ये नॉर्थ ऑफ इथियोपिया में दिस इज टिगरे रीजन टिगरे रीजन और यहाँ पे इन फाइटिंग हो रही है एथनिक क्लैश हो रहे हैं एक टिगरे कम्युनिटी है एक ओरोमिया कम्युनिटी है टिगरे कम्युनिटी माइनॉरिटी पे है बट इन्फ्लुएंशियल पोस्ट पे है ओरोमिया कम्युनिटी मेजोरिटी पे है बट इनका प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा नहीं है और इसी बात पे यहाँ पे अभी फ़ाइट हो रही है टिगरे रीजन में इलेक्शंस होने थे जिसको पोस्टपोन किया गया सो so दैट ये काफ़ी वेल्दी भी है इनका मिलिशिया भी है इन्होंने आर्म्स पिक किए और फाइट स्टार्ट हो गया है यहाँ पर सो हंड्रेड एंड टेन मिलियन पॉपुलेशन अगर इथियोपिया की है तो सिक्स परसेंट टिगरे है इनके पास अपनी लिबरेशन फोर्स भी है इथियोपिया नीड्स अ पॉलिटिकल सोल्यूशन बैलेंस करे इथनी एंड रीजन को ये लेक टाना है यहाँ पे दिस इज लेक टाना ये ओरोमिया है यहाँ अडिज अबाबा है दिस इज अफर ये जिबाउटी है फिर ये एट्रिया ऊपर वाला रीजन है और ये जो जोन आ रहा है ना दिस इथियोपिया का नॉर्थ और एट्रिया में यहाँ पे दिस इज टिगरे डेडली फाइट से इथोपियन फील फ्ली कर रहे हैं बॉर्डर जो यहाँ पे सुडान आ जाती है सो दिस इज रीजन एथनिक देन दिस इज बिजनेस न्यूज अ डे आफ्टर आर इंडिया का जो स्टैंड है ना जयशंकर साहब ने स्लैम किया ट्रेड पैक्ट को ग्लोबलाइजेशन को इंडिया के लिए इतना बेनिफिट नहीं रहेगा ये द इफेक्ट ऑफ पास ट्रेड एग्रीमेंट भी देखें तो उससे हमें कुछ बेनिफिट मिला नहीं यूटिलाइजेशन मिला नहीं सो दिस इज वन थिंग बट इसमें अगेन नेशनलिस्टिक फर्वर और वाइज इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इसका भी इंटरप्ले चल रहा है यहाँ पे डब्लू पी आई मंथ हाई फूड इन्फ्लेशन इतना है वेजिटेबल भी कूल cool हो रहा है ट्वेंटी गुड थिंग पावर डिमांड ग्री सेवन पॉइंट एट परसेंट हुआ है पावर डिमांड ज्यादा है मतलब इकोनॉमी ऑन राइज मेड इन चाइना आइटम सी हाथी के दात दो टाइप के होते हैं हम बोलते हैं हम चाइना को बॉयकॉट करेंगे ऐसा करेंगे बट एक्चुअली में होता है नहीं मेड इन चाइना आइटम्स फाइंड फेवर विद ट्वेंटी नाइन परसेंट बयर लोअर प्राइसेस ड्राइव डिसीजन सी इकोनॉमिक्स इकॉनॉमिक्स प्रैक्टिकल पॉइंट्स आ जाते हैं नेशनलिज्म है बट इकॉनॉमी यहां पर है बेटर प्रोडक्ट है सस्ता माल में मिल रहा है सो दे गो फॉर चाइनीज प्रोडक्ट मेड इन चाइना आइटम्स फाइंड फेवर देन दिस इज स्पोर्ट्स जोकोविक एंड दिस इज ऑस्ट्रेलिया का भी टूअर होने वाला है इंडियन क्रिकेट का ये इंडियन एक्सप्रेस है सी इंडियन एक्सप्रेस में दिस इज स्टडी ऑन बेनिफिट कॉस्ट हेल्प गवर्नमेंट फॉर्म ऑन आर सी गवर्नमेंट अभी फिलहाल के लिए फॉर्म है आर से हम वॉकआउट किए हैं हम ज्वाइन नहीं करेंगे बट डोर्स ओपन है कंप्लीटली अभी शट भी नहीं हुआ है द पॉइंट इज लूमिंग शेडो ऑफ चाइना अब चाइना के साथ भी ना वियतनाम का भी स्ट्रगल है बट बॉर्डर जो डिस्प्यूट हैं साउथ चाइना सी में काफी फ्लेयर भी हुआ था बट वियतनाम ने तो ज्वाइन किया फिर आर सो दैट इज वाई इकोनॉमिक्स और नेशनलिज्म यहाँ पे चीजें बैलेंस आउट करना पड़ेगा लूमिंग शेडो ऑफ चाइना विल वॉकर फाइनली स्टे आउट दिस इज रॉयल बंगाल टाइगर फॉर टीयर टू सिटीज लो ट्रैफिक में मेट्रो लाइट आएगी दिल्ली पॉल्यूशन गवर्नमेंट स्कीम्स है ये दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम्स है लाडली स्कीम इसमें अभी बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं देन ये क्वाड की नेवीज हैं जो मालाबार एक्सरसाइज सेकेंड फेज जो है वो अब मालाबार में होगा पहले विशाखापट्टनम में हुआ था अब क्वाड में सेकेंड फेज में यहाँ पे स्टार्ट होगा मालाबार एक्सरसाइज टूडे पोलावरम डैम है इसका हाइट नॉट एन इंच रिड्यूस विल बी आंध्र प्रदेश ने ऐसा अजर्ट किया है डैम का हाइट जितना ज्यादा होता है ना उतना ही इसका एरिया डूब में आएगा जितना ज्यादा एरिया डूब में आएगा उतना ही फिर कंपनसेशन भी देना पड़ेगा तो एक थ्योरी ये भी चल रही है देन दिस इज ओबामा एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब सीजन फर्स्ट स्नो दिस इज अमिट ग्लोबल कॉल टू स्टेप अप टीबी ट्रीटमेंट एक्सपर्ट फ्लैग इंडिया कंजर्वेटिव अप्रोच टीबी सर्विसेज इंद्रधनुष वैक्सीनेशन भी इंपॉर्टेंट है अभी ब्रिक्स समिट होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर इंडिया एंड दिस मिस्टर जी दोनों यहाँ पे अभी फिर से वर्चुअल समिट में आएंगे एक प्लेटफॉर्म पे स्टेबिलाईजिंग एम ओ एक्शन प्लान टू इंक्रीज पॉपुलेशन दिस इज अ वेरी गुड न्यूज सी ये क्या होते हैं वल्चर्स होते हैं वल्चर्स जो होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल सर्विस करते हैं कि जो डेड है या फिर जो वेस्ट है उसको ये क्लीन करते हैं सो दिस इज अवज इकोलॉजिकल सर्विस वल्चर की पॉपुलेशन डिक्लाइन होगा तो इकोलॉजी के लिए वो खतरा है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ था वल्चर का इन पास टाइम बट अब ये स्टेबिलाइज हो रहा है ये नाइन रिकॉर्डेड स्पीशीज हैं नाम क्या है इनके ओरिएंटल वाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड स्लेंडर बिल्ड हिमालयन रेड हेडेड इजिप्शियन है बियर्डेड है एंड दिस इज योरेशियन ग्रिफन ये सारे नाइन रिकॉर्डेड स्पीशिज हैं जिसमें से चार क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वन एंडेंजर्ड एंड थ्री नियर थ्रेटेड है मैसिव डिप हुआ था नाइन्टीज में वल्चर की पॉपुलेशन में बिकॉज एक वेटनरी नॉन स्टेर नॉन स्टेराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के कारण डाइक्लोफेनैक डाइक्लोफिनक के कारण इनकी पॉपुलेशन में ह्यूज डिक्लाइन हुआ था बिकॉज ये क्या करते हैं कैराकेस जो होते हैं मर जाते हैं एनिमल्स उनको खाते हैं तो इसके कारण ये इनकी पॉपुलेशन में भी डिक्लाइन हुआ था एग्स इनके टूट रहे थे तो पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ बट फिर हमने इस पर भी बैन लगाया और फिर फाइनली पॉपुलेशन में थोड़ा राइज़ हुआ है 2006 के प्रोजेक्ट में ये जो डेवलपमेंट नया आया देन स्पीशीज़ के ब्रीडिंग प्रोग्राम्स आए कंजर्वेशन मेजर्स लिए नेशनल सर्वे भी हुआ 2006 प्रोजेक्ट के बाद में पॉपुलेशन डिप हुआ अब फिलहाल के लिए स्टेबिलाईज हो रहा है वल्चर्स आर इंपॉर्टेंट और ये मेडिसिन का नाम भी याद रखना है डाइक्लोफेक वेटनरी मेडिसिन ये स्पेस एक्स का फैल्कन नाइन रॉकेट है क्रियू ड्रैगन है किसका है ये दिस दिसमर्पेस एक्स कैनेडी स्पेस सेंटर केप फ्लोरिडा में इसने अभी एक लॉन्च किया स्पेस एक्स का फैल्कन नाइन रॉकेट ओके सो दिस इज रॉकेट अब जो नेक्स्ट है दैट इज एडिटोरियल सीज द डी एडिटोरियल जो दिंदू का था और इवन जो इंडियन एक्सप्रेस का भी है दोनों प्रो आर सी पी पॉइंट्स दिए सीज द डील ट्रेड लिफ्ट ऑल बोर्ड्स न्यू दिल्ली मस्ट गेट इनसाइड आर सी पी टेंट एट दर्लीएस्ट अपॉर्चून मोवमेंट और गवर्नमेंट का स्टैंड इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है लेट सी गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट भी सारे प्रोस्पेक्ट देख रही है कि आर सी पी में बेस्ट नेगोशिएशन डील क्या हो सकता है लेट सी वॉर अगेंस्ट वायरस है हर्ड इम्यूनिटी डिबेट है द रिनासा मैन द आइडियाज पेज पाकिस्तान बाइडन के साथ काफ़ी होपफुल हो रहे हैं ट्रंप इतना ज़्यादा सेम पेज पर पे आ नहीं रहे थे बट जो भी यू एस का प्रेसिडेंट बने पॉलिसी ज़्यादा चेंज होती नहीं है इट इज़ अनलाइकली दैट यू एस प्रेसिडेंट इलेक्ट विल हैव बैंड टू वे इन ऑन कश्मीर बट इस्लामाबाद इज़ नॉट गिविंग अप पाकिस्तान बाइडन होप देन दिस इज़ इंडिया आउट ऑफ आर सी पी ये आर्टिकल भी बड़ा अच्छा है आर सी पी में बड़े अच्छे से सिस्टमेटिक कमेंट्री दिया हुआ है जो हमने कल और आज देखा था आर सी पी आर सी पी में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए एम आर एन ए वैक्सीन है मॉडर्ना स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होगा अब सी अब ये जो इस टाइप के आर्टिकल्स आते हैं ना अगर इसमें लिखने को आए तो हमको ना इसमें बैलेंस्ड ही रहना ज़्यादा बेटर एडवाइजेबल रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फुल फोर्स में इसको ज्वाइन नहीं करने के मूड में तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है प्रो एंड अगेंस्ट दोनों के बीच में देन दिस इज द वर्ड ट्रम्प टीम थ्रेटन्स पेंसिल्वेनिया दिस इज डिस्प्यूट ऑन रूल ऑफ लॉ कंडीशन स्पेस एक्स का रिजाइलियंस देन दिस इज इकोनोमी लॉजिस्टिक्स मेजर चैलेंज रहेगा कोविड वैक्सीनेशन डिलीवरी में ये मॉडर्ना वैक्सीनेशन है वर्ल्ड बैंक टू एडवाइज दीपम एंड सी पी एस सी एस एट मोनिटाइजेशन इज बन सो दिस इज इकोनॉमी इंडियन एक्सप्रेस अब ये कुछ इंडिया के महत्वपूर्ण फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड इवेंट्स हैं इन इवेंट्स का हम जोग्राफिकल लोकेशन देखते हैं जैसे चौरी चौरा कॉलिंग ऑफ हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा में वायलेंस हुआ था गांधी जी ने एन को विड्रॉ किया था ये कहाँ पर है इधर है यूपी चंपारण चंपारण में इंडिगो मूवमेंट हुआ था ये कहाँ पर है बिहार में है ये अमृतसर है यहाँ पे बहुत अनफॉर्चुनेट जलिया वाला बाघ इंसिडेंट हुआ था ये अहमदाबाद कॉटन मिल्स वर्कर है दिस इज अहमदाबाद गुजरात गुजरात में ही नीचे खेड़ा हुआ था पीजेंड सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल साहब खेड़ा पीजन सत्याग्रह भी पड़ा था इनके बारे में देन दिस इज डांडी डांडी में सोल्ट मार्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये डांडी नमक ये बारदोली है नो टैक्स कैंपेन ये खेड़ा है पीजेंट सत्याग्रह बारदोली नो no टैक्स कैंपेन वल्लभ भाई पटेल जी का इन्वॉल्वमेंट भी था डांडी बारदोली खेड़ा अहमदाबाद दिस इज चौरी चौरी चौरा चंपारण एंड अमृतसर ओके दीज आर द इम्पोर्टेंट प्लेसेज एंड इवेंट्स इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल वर्ल्चर नंबर हैं लूमिंग शेडो ऑफ चाइना है स्पेस एक्स फैलकर है टिगरे रीजन है कोची मैंगलोर पाइपलाइन गेल ने बनाया फॉलन थ्रू द क्रैक दिस इज इंपॉर्टेंट आर्टिकल देन आंध्र प्रदेश की कैपिटल कॉननरम है टेक्नोलॉजी एंड दिस इज थ्रेट और ट्रीट दिस इज लमार्क सरफेस विंडस एंड this is ccpa covid cases and this is moderna so this is 17th of november 2020 thank you so much for watching this video take care study well and be safe